चलेगा इस क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर lying in the plane of a table. Let current passes through the loop in a clockwise direction. Apply the right hand thumb rule to find out the direction of magnetic field inside and outside the loop. Inside and outside the loop. तो देखो भाई, तो ये क्वेश्चन पूरा आपका विजुअलाइजेशन पावर पे, विजुअलाइजेशन पे. तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है. देखो आप ऐसे थम्स अप बनाओ, सीधे हाथ से थम्स अप बनाओ, थम्स अप का साइन देते हैं ना वैसे, वैसे थम्स अप बनाओ. तो जो आपका थंब है वो तो होता है, वो देता है आपको डायरेक्शन ऑफ अ करंट, और बाकी की जो चार उंगलियां ऐसे मुड़ रही है वो देता है डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड. समझ गए? तो ये है राइट हैंड थंब रूल. थम्स अप बनाओ ऐसे, लाइक का बटन होता है ना वो वाला थम्स अप बनाओ. तो जो थंब है वो दे रहा है कि भाई डायरेक्ट किस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, और जो बाकी की चार उंगलियां हैं वो दे रही है कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में. ठीक है, तो ये तो हो गया थंब रूल. अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन कह रहा है एक सर्कुलर लूप है, टेबल पर रखा हुआ है. तो ऐसे सर्कुलर लूप है भाई, वायर का ऐसे कुछ सर्कुलर लूप होगा, टेबल पे रखा हुआ है. ठीक है, वायर है. तो ये कहता है इसके अंदर हम करंट अगर चला दें, लेट करंट पास थ्रू दिस लूप क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी चलती है ना अपनी, उस डायरेक्शन में करंट पास कर दो. तो घड़ी हमारी ऐसी चलती है, ऐसे ऐसी चलती है ना, ऐसे 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 चलती है हमारी घड़ी. तो इस डायरेक्शन से करंट चल रहा है. ठीक है, तो ये करंट बह रहा है भाई इस डायरेक्शन में, ऐसे ये करंट बह रहा है इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज बह रहा है. तो ये पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बहेगी. तो इनसाइड और आउटसाइड दो तरीके से देखना है. तो ये जो लूप है ना, इसके जब आप इनसाइड अपना थंब रूल लगाओगे, तो ऐसे देखो विजुलाइज करो आप, वही थंब रूल लगाओ, ऐसे टेढ़ा करो हाथ को, और जब थंब रूल को आप ऐसे लगाओगे तो थंब आपका जाएगा इधर राइट में, और आपकी जितनी भी, जब इनसाइड से देखोगे आप, तो जितनी भी उंगलियां वहां से नीचे की तरफ जाएगी. तो इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी ऐसे. ठीक है, और जब आउटसाइड देखेंगे तो वर्टिकली अपवर्ड. तो ये क्वेश्चन पूरा विजुअलाइजेशन का है, तो आप देखो इसको, करो, समझने की कोशिश करो. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं.